हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, वो है अपाचे आरटीआर 200 4V की। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कमियाँ इस बाइक में हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसको यूज़ करते हुए आई हैं। और यूज़ की मैं बात करूँ तो अभी तक इसको 1 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, और थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मीटर है। मीटर में गियर इंडिकेटर जो यहाँ पे दिया है, तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हर टाइम ही माल फंक्शनिंग करता है, लेकिन आप कई बार मान के चलिए कि जैसा कि आप राइड पे हैं और मीटर की तरफ देख रहे हैं, आप 5वें गियर में हैं और उस टाइम पे नीचे आपने डाउन किया गियर और 5th से 4th में आए या 4th से 3rd में आए, किसी में भी आप मान के चलिए, तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में, और डिले टाइम बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि आप देख भी रहे हैं वहाँ पर इंडिकेटर पर मैं कौन से गियर पर हूँ, बट आप उसको एक्यूरेट नहीं मान सकते। कई बार ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि हर टाइम पे ही करता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों प्रॉब्लम है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सीट है, जो फ्रंट सीट है इसकी। तो ये जैसा कि मैं यहाँ पे इसको हिला रहा हूँ, ये पूरी लूज़ पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ इसी बाइक में नहीं है, बाकी बाइक्स भी मैंने देखी उनमें भी ये प्रॉब्लम है। ये पता नहीं क्यों कि TVS की तरफ से ही ऐसी है कि क्या है इसमें, और शुरू में नहीं थी बट कुछ टाइम बाद ये लूज़ होना शुरू हो गई। और इसका भी जवाब अभी तक TVS वालों के पास नहीं है कि किस वजह से हुई और क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, जो इसकी जो पिलियन सीट है, तो जब भी पर्सन पिछली सीट पे बैठता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी हाइट की वजह से, जो आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी ग्राउंड से, तो बहुत मुश्किल होता है और बिल्कुल कंफर्ट नहीं है पीछे बैठना इस बाइक के ऊपर। हालांकि जो कंपेयर करूँगा 164V से, वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है सीट। तो तीसरी जो प्रॉब्लम मैं गिनूँगा, जो इसकी पिलियन सीट है, इतनी ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है। अब चौथे नंबर की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो राइडिंग कंफर्ट की मैं बात कर रहा था, तो राइडिंग कंफर्ट की मैं कहूँगा कि लॉन्ग ड्राइव के लिए बाइक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर सिंगल पर्सन लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहा है तब थोड़ा सा मान सकता हूँ, लेकिन वो भी आप मीन्स 50-60 या 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइक बिल्कुल थका देती है। और जो रियर सीट पे होता है, अगर टूरिंग करनी है आपने तो रियर सीट वाला, तो आप समझ के चलो कि बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा उसको दोस्तों। और फैमिली के लिए, जो पांचवी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा, फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी ये बाइक नहीं है, ये सिर्फ रेसिंग है, रेसिंग पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन के लिए बाइक है दोस्तों। तो 5 प्रॉब्लम हो गई, अब बात करते हैं 6ठी की। तो 6th प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए दोस्तों आ जाते हैं इसके गियर की तरफ। जब गियर इंडिकेटर से शुरू से बात चली थी, तो गियर, अब ये 200cc बाइक है और ये है सिर्फ 5 गियर के साथ। 6ठा गियर आपको, 6th गियर आपको इसमें नहीं मिलेगा, और ये सबसे बड़ी कमी इसमें खलती है दोस्तों। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि कई बार जैसे बाइक बिल्कुल चल रही है और आप 100 के बाद आप एक बार 6th गियर जो है ढूंढने लग जाते हैं, तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार 6th गियर इसमें क्यों नहीं है। 200cc की ये बाइक है दोस्तों, तो 6th प्रॉब्लम इसमें है। अब बात कर लेते हैं 7th प्रॉब्लम की। अब गियर से जब बात कर ही रहे हैं, तो जो गियर है, गियर बॉक्स है, वो इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं है। मींस कि जैसे कई बार क्या लगता है आपको कि गियर जैसे फंस रहा है, आप सेकंड से फर्स्ट में आना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको कई बार जो इंडिकेटर है वो भी माल फंक्शनिंग कर देता है, और फर्स्ट से आप न्यूट्रल में आना चाहे वो तो आपको बाइक रोक के ही, आप ऐसे चलती बाइक में तो एकदम से सोचे कि थोड़ा सा स्लो करके मैं न्यूट्रल में आ जाऊँ, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें। तो 7 प्रॉब्लम ये होगी। आप बात करते हैं 8वीं की, 8th प्रॉब्लम की। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कि ये कार्बोरेटर वर्जन है, कार्ब वर्जन है, और इसमें आपको जो है किक नहीं मिलेगी। तो थोड़ी देर पहले जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कार्बोरेटर वर्जन है, आपका स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर जाता है, कई बार कचरा है, कई बार रिजर्वायर उसका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी है, कार वर्जन में एटलीस्ट किक होनी चाहिए थी। अब उसके लिए आपको, अब पता नहीं इन्होंने ऑप्शन दी है, ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन मे भी होगी, बट वो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे लगवानी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम नंबर हमारी 9th, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चेन की है,
और ये हर एक TVS की बाइक में है दोस्तों। पता नहीं क्यों अभी तक मतलब ये इनसे सही नहीं हो रही है। 164V ले लीजिए आप, अपाचे RTR ओल्ड वाली ले लीजिए, कोई भी इनकी जो अपाचे सीरीज़ की बाइक है, पता नहीं क्यों इनसे ये चेन सेट की प्रॉब्लम अभी तक सही नहीं हो रही है। और खड़खड़ की आवाज़ जब आती है तो बिल्कुल इरिटेटिंग लगती है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं 10th नंबर की प्रॉब्लम की, तो वो है इसकी एवरेज। जो एवरेज है दोस्तों बिल्कुल, हम इस बाइक की तो आप समझ लीजिए हिल एरिया है पूरा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। हिल एरिया में इसकी जो एवरेज है मतलब शुरू में तो 20 से 25 तक थी, अब जाके थोड़ी सी 25 से 30 तक इसकी एवरेज आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एवरेज की भी है दोस्तों इसमें। मतलब आप मान के चल लीजिए कि आजकल ऑल्टो ऑल्टो K10 वगैरह भी वो भी अच्छी एवरेज दे देती हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली प्रॉब्लम है, एक जो इसका जो लेग गार्ड है बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है। मतलब आप लेग गार्ड दे भी रहे हो लेकिन अगर बाइक जैसे कि ये गिर भी गई थी तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं यहाँ पे। ये हालांकि एक्सीडेंटल बाइक है ये, मतलब हो गया था एक्सीडेंट उसके उस टाइम पे, ये लेग गार्ड ने थोड़ा सा भी बाइक को बचाया नहीं। यहाँ पे पूरी तरह स्क्रैचेस थे इस हिस्से में और यहाँ तक आ गए थे स्क्रैचेस, तो ये यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आप यहाँ पे। तो लेग गार्ड का मतलब बचाता है बाइक को, बट यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिली। और बात कर लेते हैं अगली प्रॉब्लम की, तो अगली प्रॉब्लम है इसमें जो टायर, जो फ्रंट टायर है, 200 cc की बाइक आप दे रहे हो और जो टायर आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे पतला सा, इतना मतलब जो फीलिंग आती है एक मोटे टायर वाली वो फीलिंग है नहीं इसमें। तो अगली जो प्रॉब्लम मैं गिनूंगा इस टायर के लिए भी है। तो सबसे लास्ट वाली प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा मेजर मुझे लगती है वो है, एक तो स्पेयर अवेलेबिलिटी। आपने बाइक निकाल दी है, जितने भी आपके शोरूम हैं वहाँ तक आपके स्पेयर अभी तक भी नहीं पहुँचे। ये बाइक 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुई थी और वो वीडियो आपने मेरी देखी होगी इंश्योरेंस वाली, उसमें मैंने इसी बाइक के बारे में डिस्कस किया था। स्पेयर अवेलेबिलिटी आपकी बिल्कुल जीरो है। आप अगर अभी भी उनके पास जाएंगे कि यार ये चीज़ की इसकी ख़राब हुई है, या तो मना कर देंगे या बोलेंगे कि सर मंगवानी पड़ेगी। तो ये एक जो लास्ट एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो स्पेयर अवेलेबिलिटी और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, इसके तरफ TVS को बिल्कुल ज़रूरी है ध्यान देना। बाइक ठीक है आप निकाल रहे हो, TVS की रेसिंग है, अपाचे सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा आपकी, और मैं कहूँगा कि हिमाचल के अंदर इनके सेल्स पर्सन खुद कहते हैं कि हिमाचल के अंदर ये बाइक बहुत ज़्यादा बिकती है, बट यार आप थोड़ा सा आफ्टर सेल सर्विस का भी थोड़ा सा ध्यान रखो ना। आप मतलब बाइक दे रहे हो, बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर की बाइक आपसे ले रहा है और बाद में फिर अगर परेशान रहें या प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और अगली वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, कार में है सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, और बाइक में है तब तो हेलमेट ज़रूर पहनिए दोस्तों। थैंक यू।